फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रा हटके स्नेहा। आज हम लोग हक्का नूडल्स बनाएंगे, वो भी बिना सोया सॉस के, बिना विनेगर के, बिल्कुल केमिकल फ्री, जो कि बच्चों को बेहद पसंद आएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। तो एक बार इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हमने एक बड़ा सा बर्तन लिया है जिसमें मैंने 5 से 6 गिलास पानी डाला हुआ है। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया हुआ है और इसे बॉयल आने देंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों मैंने हक्का नूडल्स लिया हुआ है जो कि वेज है। आप चाहें तो एग हक्का नूडल्स या फिर कोई भी डिफरेंट जो आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हक्का नूडल्स को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया था और इसे पानी में बॉयल करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि लोगों की शिकायत होती है कि हम नूडल्स बनाते हैं तो हमारी नूडल्स चिपक जाती है या फिर हमारी नूडल्स के रेसे अलग अलग नहीं होते हैं, टूट जाती है बीच से, तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप नूडल्स को बॉयल कैसे करते हैं और उसे धुलते कैसे हैं। अगर ये 2 काम आपने अच्छे से कर लिए हैं तो आपके नूडल्स कभी भी चिपकेंगे नहीं और कभी भी मतलब टूटेंगे भी नहीं। मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने नूडल्स को केवल 70-80% ही बॉयल किया है। आप देख सकते हैं कि हल्का सा बीच में कच्चा है। इसी स्टेज में हम यहाँ पर इसको छान के अलग कर लेंगे और इसके बाद में यहाँ पर मैं बिल्कुल जो प्रॉपर ठंडा पानी होता है ना, फ्रिज वाले ठंडे पानी से मैंने इसे 3 से 4 बार धुला है, बिल्कुल अच्छे से धुला है और तुरंत ही बॉयल करने के तुरंत बाद ही धुलना है। ये नहीं कि हम इसे 10 मिनट रख देंगे फिर धुलेंगे, और जैसे ही लेंगे सारे रेसे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि अलग हो रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे नूडल्स में, ताकि कोई भी नूडल्स एक दूसरे से चिपकेगा नहीं और सारे रेसे अलग अलग से हो जाएंगे और कुछ भी टूटेंगे नहीं कि रेसे बीच से टूट जा रहे हैं। एक यही तरीका आप आजमाइएगा, बिल्कुल भी आपके नूडल्स टूटेंगे भी नहीं और चिपकेंगे भी नहीं। इसके बाद मैंने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है, कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है और यहाँ पर प्याज ऐड करेंगे जो कि जूलियन कट्टे, मतलब कि लंबे लंबे पीसेस में मैंने पतले पतले से काट रखा है। इसे सॉटे करेंगे मतलब कि हल्का सा, जैसे ये फ्राई होता है हल्का सा सॉफ्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली हुई है जिसे कि लंबे पीसेस में मैंने काट लिया है, और यहाँ पर मैंने गाजर लिए है जिसे जूलियन कट यानी कि लंबे लंबे पीसेस में पतला पतला सा काट लिया है। आप वैसे अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जो पसंद हो वो लीजिएगा, जो नहीं पसंद है उसको बिल्कुल हटा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली हुई है, अगर आपको पसंद है तो आप बंद गोभी यूज़ कीजिएगा, अगर नहीं पसंद है तो मत कीजिए, मतलब अपने हिसाब से जो अच्छी लगे वो सब्ज़ियाँ यूज़ कीजिएगा। सब्जियों को कच्चा पक्का ही पकाना है, बिल्कुल पकाना भी नहीं है, बिल्कुल कच्चा भी नहीं रखना है। जैसे ये हल्का सा सॉटे हो जाती है, इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 टमाटर का कच्चा प्यूरी जो होता है, 2 से 3 टमाटर कच्चे टमाटर लिए हुए थे उनका प्यूरी बनाया था और इसमें अच्छे से मिक्स किया है बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर। और यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च जो कि कलर अच्छा आता है, तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, और थोड़ा सा नमक अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच चाट मसाला यूज़ किया हुआ है, क्योंकि आप विनेगर को हटा रहे हैं तो उसकी जगह चाट मसाला लेंगे, उसकी रिप्लेसमेंट में मैंने लिया हुआ है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और मतलब इसको इतना पकाना है कि इसकी ग्रेवी बिल्कुल सूखी सूखी सी हो जाए, इसका पानी जो है वो पूरा चला जाए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट देने के लिए काली मिर्च पाउडर यूज़ किया हुआ है। अब इसे अच्छे से सूखी सूखी सी ग्रेवी बना लेंगे, जब ये बिल्कुल पानी इसका सूख जाएगा इसके बाद हम यहाँ पर हक्का नूडल्स ऐड करेंगे। और हक्का नूडल्स जैसे ही ये देखिए बिल्कुल सूख गई है ग्रेवी, अब हम हक्का नूडल्स इसे ऐड कर रहे हैं और इसे अच्छे से फोक की हेल्प से हम इसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप वही मतलब अपना कलछुल और क्या बोलते हैं प्लेट की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं, मैं यहाँ फोक की हेल्प से अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से ट्राई हो जाए। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बिना सोया सॉस, बिना विनेगर की बिल्कुल देसी स्टाइल में बनी हुई ये जो नूडल्स है ये आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।